दिस इज द कोर्स टू बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेसन नंबर 5 हाउ द बटरफ्लाइज केम टू बी टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू लेसन हाउ द बटरफ्लाइज केम टू बी तितलियां कैसे आई आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू लेसन वार्म अप Look at the pictures given and match them with the special gift that they have. Number A has beautiful colors on its wing. Number B has a shell on its back. Number C Protection from hot and cold weather. Look at the pictures given. नीचे दिए गए तस्वीर को देखिए और क्या करना है उसे मैच कीजिए. यहाँ पे जितने सारे पिक्चर्स हैं उनका सबके पास क्या है, सबके पास एक स्पेशल टैलेंट है या स्पेशल गिफ्ट है, उनके पास एक खास तोहफा है, उसके साथ उसको क्या करना है, मैच करना है. ए नंबर में क्या दिया गया है, स्पेशल गिफ्ट. गिफ्ट का मतलब होता है दान या प्रदान किया गया, उनको खास प्रदान किया गया है. ए नंबर हैज़ ब्यूटीफुल कलर्स ऑन इट्स विंग, रखते हैं रंग बिरंगे रंग उनके परों में. विंग्स का मतलब होता है पंख. Has beautiful colors on its wing. उनके जो पंखों में एक खूबसूरत सा क्या है, रंग है, खूबसूरत सा रंग रखते हैं. नंबर बी has a shell on its back. Shell means होता है खोल. Back, back यानी के पीठ पर. नंबर सी प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, ठंडे और गर्म वेदर, वेदर यानी के मौसम से. तो पहला वाला जो दिया गया हैज़ ब्यूटीफुल कलर्स ऑन इट्स विंग, रंग बिरंगे रंग है उनके पंखों में. तो बटरफ्लाई हैज़ ब्यूटीफुल कलर्स ऑन इट्स विंग. सो राइट हियर ए. नंबर बी हैज़ अ शेल ऑन इट्स बैक. स्नेल, स्नेल हैज़ अ शेल ऑन इट्स बैक. प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर. नंबर सी शिप. According to an old story, after the earth maker made the earth, elder brother created people out of clay. According to an old story, पुरानी कहानी के मुताबिक the earth maker जो है अर्थ बनाने वाले ने, पृथ्वी बनाने वाले ने पृथ्वी को बनाया था. एल्डर ब्रदर जो था वो क्या बनाया था, क्रिएटेड पीपल आउट ऑफ क्ले. एल्डर ब्रदर लोगों को बनाया था चिकनी मिट्टी से. एल्डर ब्रदर क्या किया था, लोगों को बनाया था अर्थ मेकर, अर्थ को पृथ्वी को बनाया था. और एल्डर ब्रदर जो था वो लोगों को बनाया था चिकनी मिट्टी से. द वर्ल्ड बैक then was very beautiful. It was full of colors and warm, and after the rains everything shone. People were happy. The world back then was very beautiful. पहले वाले जो दुनिया था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था. It was full of colors
एंड वॉर्म, और वो जो दुनिया था वो किससे भरा हुआ था, रंगों से और गर्मी से। एंड आफ्टर द रेन्स एवरीथिंग शोन, जब बारिश आई तो हर चीज़ चमकने लगा। पीपल वर हैप्पी, लोग बहुत खुश थे। बट सून विंटर वुड अराइव एंड मैनी ऑफ द कलर्स वुड बी गन। लेकिन जल्द ही सर्दी का मौसम आया, सर्दी का मौसम पहुंचा और जितने सारे रंग थे सब क्या हो गए, चले गए। पीपल ऑल्सो बिगेन टू गेट ओल्ड, लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, बूढ़े होने लगे। दे वर नॉट हैंडसम लाइक बिफोर, वह लोग पहले के जैसे खूबसूरत नहीं रहे। लाइक एवरीथिंग दे टू वुड डाई, और सारी चीज़ जो थी, जो भी चीज़ थी, सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। दिस मेड देम सैड, ये सब उन लोगों को दुखी कर दिया। एल्डर ब्रदर सो देम एंड फेल सैड, सैड टू। एल्डर ब्रदर जो था वो इन लोगों को देख के बहुत ही दुखी हुआ। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है दुनिया। वॉर्म, वॉर्म मीन्स होता है गर्मी। शोन, शोन मीन्स होता है चमकना। सून मीन्स जल्दी, अराइव मीन्स पहुंचना। ओल्ड मीन्स बूढ़े। हैंडसम मीन्स होता है सुंदर। बिफोर यानी कि पहले। डाई मीन्स मरना। सैड, सैड मीन्स होता है दुखी। टू मीन्स होता है भी। I must do something to make the people happy, he said to himself. Let me make something new. I must do something to make the people happy. मैं ऐसा ज़रूर कुछ करूँगा जिससे लोग खुश हो जाएं, he said to himself. जो एल्डर ब्रदर था वो खुद से कहा, let me make something new. मुझे कुछ नया करने दो, मुझे कुछ नया बनाने दो। ही बिगेन टू गैदर द लवली कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या किया, लवली कलर्स यानी कि प्यारे रंगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वर्ल्ड के जितने भी लवली कलर्स थे सबको वो क्या किया, एल्डर ब्रदर इकट्ठा करना शुरू किया। He took green from the trees. From the sky he took the color blue and from the sun he took yellow. From the sunset he took orange and purple. He took black from a young girl's hair and gold from the golden corn. गैदर, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। तब उसने जब वर्ल्ड के सारे रंगों को इकट्ठा करना शुरू किया तो वो क्या, कहाँ से शुरू करता है, ही टू ग्रीन फ्रॉम द ट्रीज, वो जो ग्रीन कलर है, ग्रीन यानी ग्रीन कहते हैं हरे रंग को, वो हरा रंग पेड़ों से लेना शुरू किया। फ्रॉम द स्काई ही टुक द कलर ब्लू, और आसमान से वो ब्लू रंग लिया। एंड फ्रॉम द सन ही टुक येलो, और सूरज से वो क्या लिया, पीला रंग लिया, पीला रंग जो होता है वो ले लिया। फ्रॉम द सनसेट
सनसेट यानी के सूर्य का जो अस्त होने का समय होता है वहाँ से वो ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज कलर, ऑरेंज और येलो कलर ले लिया, ऑरेंज एंड पर्पल ले लिया। ऑरेंज यानी के संतरे रंग को कहते हैं, पर्पल पर्पल कहते हैं बैगनी रंग को। ही टुक ब्लैक फ्रॉम आवर यंग गर्ल्स हेयर एंड गोल्ड फ्रॉम द गोल्डन कॉर्न, और वो काले रंग को एक लड़की के बालों से काला रंग ले लिया और सुनहरा रंग जो था वो गोल्डन कॉर्न यानी मकई से ले लिया। लेट मी टेक सम ब्राइटनेस फ्रॉम चिल्ड्रंस स्माइल ही सेड एंड टुक द वाइट फ्रॉम देयर स्माइल्स। लेट मी टेक सम ब्राइटनेस, मुझे कुछ चमक लेने दो बच्चों की मुस्कुराहट से। ही सेड, उसने कहा, एंड टुक द वाइट फ्रॉम देयर स्माइल्स, और वो बच्चों की मुस्कुराहट से सफ़ेद रंग ले लिया। समथिंग, समथिंग मिस होता है कुछ। हिमसेल्फ यानी कि खुद से। मेक मिस बनाना। गैदर यानी कि इकट्ठा करना। लवली यानी के सुंदर। कलर्स रंगों को कहते हैं। वर्ल्ड दुनिया। टुक मिस होता है, ये टेक का वी टू है। टेक मिस होता है लेना, टुक मिस होता है लिया। ग्रीन हरे रंग को कहते हैं। ट्रीज यानी के पेड़। ब्लू, ब्लू नीला कलर, नीला रंग, नीले रंग को कहते हैं। येलो पीले रंग को। सनसेट सूर्यास्त का समय। ऑरेंज यानी के संतरे रंग को कहते हैं। पर्पल बैगनी। गोल्ड मिस होता है सोना। गोल्डन मिस होता है सुनहरा। कॉर्न मकई को कहते हैं। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मिस होता है चमक। स्माइल यानी कि मुस्कुराहट। टुक मिस होता है लिया। एक बार फिर से इसको पढ़ लिया जाए। हाउ द बटरफ्लाइज केम टू बी, किस तरह से तितलियां हमारी दुनिया में आई। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी के मुताबिक। द अर्थ मेकर मेड द अर्थ, अर्थ बनाने वाले ने, पृथ्वी बनाने वाले ने पृथ्वी को बनाया। इल्डर ब्रदर क्रिएटेड पीपल आउट ऑफ क्ले, और इल्डर ब्रदर जो था वो क्या बनाया, चिकनी मिट्टी से लोगों को बनाया। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। वॉर्म, डब्ल्यू ए आर एम टी एच। वॉर्म इस होता है हीट दैट फील्स नाइस।
अराइव, अराइव मीन्स होता है कम टू अ प्लेस। जितने सारे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं आप लोग को वर्ड मीनिंग को याद कर लेना है।